टूल के और डिस्कशन करते हैं कि आखिर लीन मैन्युफैक्चरिंग की जो यहाँ पे जो साथ को जो वेस्ट है उसको कैसे कम कर सकते हैं। यहाँ पे ये हम देख सकते हैं मैंने कुछ टूल बताइए, ये टूल या ये रूटीन है ये फॉलो, इस प्रोसेस को जब फॉलो कीजिएगा तो सातों वेस्ट को कम कर सकते हैं। टूल ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग ये ऐसा टूल है, ये ऐसा उपकरण है जिसके सहयोग से लीन मैन्युफैक्चरिंग के जो सात वेस्ट है उसको कम कर सकते हैं। पहला यहाँ आती है 5S। 5S को अपनी कंपनी में यहाँ पे आपको फॉलो करनी है, ठीक है, कोई भी कीमत पे, ठीक है। 5S यहाँ जिसने फॉलो कीजिएगा यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी कंपनी अनुशासन में चलेगी, यहाँ वेस्टेज बहुत कम होगी, खतरा भी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। 5S में क्या क्या आते हैं, सॉर्टिंग आती है, सेट इन ऑर्डर आती है, साइन आता है, स्टैंडर्डाइज आता है, सस्टेन आता है, ठीक है। ये चीज पर आपको ध्यान देनी है, ये सारे पे मैंने एक एक करके वीडियो बनाए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जरूर जाकर वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड यहाँ आता है 3M मॉडल। 3M मतलब कहने का मतलब मुरा मुरी अमुदा आता है, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पे तीन को ऐसे जापानी वर्ड होते हैं जो यहाँ पे लीन मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे जो यहाँ पे सात को वेस्ट है उसको कम करने का कोशिश करते हैं और एक कंपनी को यहाँ पे ग्रो अप करने की कोशिश किया जाता है, ठीक है। ये चीज पर आपको ध्यान देनी है, ठीक है। ये तीनों के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तीसरी नंबर आती है काइजन। काइजन मतलब कहने का मतलब है क्या, देख सकते लिखी हुई क्या है कि हम छोटे छोटे कार्य में कुछ बदलाव करके कुछ अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। काइजन का मतलब यही होता है कि जहां पे अगर बड़ी वाली कोई मशीन की आवश्यकता है तो वहां पे कोई भी आप जुगाड़ लगा सकते हैं, वहां कुछ ऐसी जुगाड़ लगाएं कि आपके काम कंटिन्यू चलते रहे, कि आप कम से कम यहां पे क्या है कि वो मशीन से बच सकें, वो कॉस्टली मशीन आती है उसके जगह आप उस काइजन का यूज कर सकते हैं। कोई अगर पार्ट टूट जाती है तो उसके जगह कुछ ऐसा यहां पे लोगों को रखें जो काइजन करे, ठीक है। कुछ ऐसे कोई मशीन का ऐसे यहां पे कोई क्लेम टूट जाए, कोई पार्ट टूट जाए, जो यहां पे ऐसे लोगों को रखे, ऐसे एम्प्लॉय को रखे जो उसको यहां पे उसको बना सके, ठीक है। तो ये चीज पर काइजन करना होगा आपको, वहां पे जुगाड़ लगानी होगी, तभी जाके आप यहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अपने प्रोडक्ट की डिमांड को, अपने प्रोडक्ट की कीमत को एक संतुलन बना के एक अच्छी मुनाफा कमा सकते हैं, ठीक है। यहां पे फोर्थ नंबर आता है क्या, पोका योके। पोका योके क्या होती है, देख सकते लिखी हुई क्या है, पोका योके मेथड यूज करने ताकि गलती से भी गलती ना हो, ठीक है। एक ऐसी यहां पे जैपनीज यहां पे एक तरह का यहां पे वर्ड है जो यहां पे ये मेथड का यूज क्या होती है, एक तरह का ऐसी इसको मेथड बोल सकते हैं जो आपकी कंपनी के भी अगर कोई गलती अगर हो रही है तो गलती को यह क्या कम करेगी, उस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करेगी, वो गलती से भी गलती नहीं होने देगी, ठीक है। ये एक तरह का ऐसी यहां पे टेक्नोलॉजी होती है, ऐसे मेथड होती है जो आपकी कंपनी को भी अगर गलती हो रही है तो ये चीज पर फोकस करेगी और सारे चीजों को निर्माण करने के बाद इसको चेक करके एक सही प्रोडक्ट कस्टमर को भेजने का बहुत ज्यादा काम करती है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा यहां पे आपको अचीवमेंट होती है पोका योके यूज करने से कंपनी में, ठीक है। इस चीज पर आपको ध्यान देनी है, ठीक है। यहां पर फिफ्थ नंबर देख सकते हैं क्या है कि कनबन सिस्टम का यूज करना है, पुल सिस्टम का, लाइन यहां पे बैलेंसिंग का, एंडोट का, जस्ट इन टाइम की, प्रोफेशनल इंडिकेटर का, ठीक है, क्वालिटी या सर्कल काउंसिल का, 5-way TPM, यहाँ पे 7QC टूल डबल ई, ठीक है। इस ये चीज पे आपको फोकस करनी है, ये पांचों चीज पर फोकस करते हैं यहाँ पे तो आपको यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट की कीमत ऑटोमेटिक यहाँ पे कम हो जाएगी और कम होने से क्या फायदा होगी आपको मैंने बेनिफिट भी बताई, देख सकते हैं यहाँ पे लिखी हुई क्या है कि बेनिफिट ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। यहाँ पे ये वेस्ट कम हो जाएंगे, वेस्ट को यहाँ पे कम करने के लिए सात को यहाँ पे पांच को यहाँ पे उपकरण का यूज मैंने किया है वो टूल का यूज, और उससे आपको क्या फायदा होगी मैं आपको बताता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे छोड़ मैंने यहाँ पे आपके यहाँ पे बेनिफिट बताइए कि लीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे यूज करते हैं आपको यहाँ पे क्या फायदा होगी। यहाँ फर्स्ट नंबर पर देख सकते हैं लिखी हुई क्या है कि लीन मैन्युफैक्चरिंग से हम अनुपयोगी एक्टिविटी को हटा देते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा, साथ ही साथ समय की भी बचत होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज देखने को मिलता है कि लीन मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रक्रिया को अपनी कंपनी में जब अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये प्रक्रिया को अप्लाई करने से क्या होगी कि यहाँ पे आपको प्रोडक्शन कॉस्ट ऑटोमेटिक घट जाएगी, ऑटोमेटिक जब घटेगी तो यहाँ पे क्या होगी आपको समय भी बचेगा, अब ज्यादा प्रोडक्शन आप निकाल पाइएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड यहाँ पे पॉइंट क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट घटती है तो इसे सप्लायर को भी फायदा होगी, ठीक है, आपको ये चीज देखने को मिलेगी। तीसरी पॉइंट, यदि कंपनी को फायदा हो रहा है तो कंपनी के एम्प्लॉय खुश रहेंगे, उन्हें और ज्यादा सैलरी प्राप्त होगी, ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो मैं देख सकते लिखी हुई क्या कि कस्टमर की जरूरत के अनुसार तथा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रदान कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक तरह का आपको क्वालिटी भी मिलेगी और आपको एक यहाँ पे लो कॉस्ट का भी मिलेगी, ठीक है, कि एक कस्टमर भी खुश रहेगा, ये चीज देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। फिफ्थ नंबर में देख सकते लिखी हुई क्या कि सही समय पर कस्टमर को डिलीवरी दे सकेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको रूटीन फॉलो कीजिएगा, टाइम स्टैंडर्ड यहाँ पर एक तरह का यहाँ पर देखने को क्या मिलेगी कि सही टाइम पे आपको कस्टमर को डिलीवरी भी कर पाइएगा, ठीक है, कस्टमर और भी खुश रहेंगे, आपकी कंपनी से ज्यादा प्रोडक्ट मंगाएंगे, ठीक है। अंतिम पॉइंट देख सकते लिखी हुई क्या है सिक्स नंबर, कस्टमर को
वही प्रोडक्ट कम दाम में प्राप्त हो सकेगा। ठीक है, मतलब अदर कंपनी की अपेक्षा आपकी यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे कम रेट में होगी अच्छी क्वालिटी के साथ, तो यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा ग्रोअप होगी आपकी कंपनी को। ठीक है, तो ये चीज बेनिफिट आपको देखने को मिलती है लीन मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया जब अपनाते हैं, सात को वेस्ट को कम करते हैं, कम करने के लिए आपको ये टूल का अपनाते हैं या पाँच को टूल को, तो यहाँ पे क्या हो गया आपको ये सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको लीन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बढ़िया तरीके से समझ आ चुका होगा कि लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, इसका यूजेज हम करने से हमें क्या फायदा होगी, हमें बेनिफिट क्या होगी। तो वीडियो देखने का थैंक यू, चैनल में नए आए हुए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा और भी इसी तरह से रिलेटेड टॉपिक आपको जानने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।